मैक्स महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतीय विभाजन। हम देखना चाहेंगे कि आज जो समाज में प्रचलित मान्यताएं की जा रही हैं कि अगर नेहरू के बदले पटेल प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर की समस्या नहीं होती, नेहरू के बदले पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो कुछ और बातें होती, और ख़ासतौर से ये कहा जा रहा है कि भारत के विभाजन के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है इससे गलत बात और कोई नहीं हो सकती। जहाँ तक भारत के विभाजन का सवाल है, ये एक बहुत ट्रेजेडी दुखदाई बात है जो इस सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप में हुई, और उसके पीछे के जो कारण हैं उसके कारण बहुत गहन कारण हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ तीन नए वर्ग अस्तित्व में आए, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम और आधुनिक एडमिनिस्ट्रेशन, आधुनिक एजुकेशन आया। इसी के साथ तीन नए वर्ग अस्तित्व में आए। ये तीन वर्ग कौन से थे? पहले व्यापारी उद्योगपति, दूसरे मजदूर वर्ग और तीसरे आधुनिक शिक्षित वर्ग। अब जैसे समाज बदल रहा था, इसी के साथ दलितों में शिक्षा जा रही थी, आदिवासी समाज से जुड़ रहे थे, और ये एक इन नए विचारों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। इसी समय क्या हुआ, यहाँ के पुराने वर्ग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, वो इस चीज़ से बेचैन थे कि समाज में उनका वर्चस्व कम हो रहा है। अब यहाँ बड़ी चालाकी से उन्होंने कहा कि जैसा उनका वर्चस्व कम हो रहा था, उनका डोमिनेंस कम हो रहा था, तो ये कहने के बदले कि उनका सोशल पावर कम हो रहा है, इसके बदले उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा हमारा धर्म खतरे में है। तो मुस्लिम नवाब क्या कहेगा? इस्लाम खतरे में। हिंदू राजा क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे में। खतरे में धर्म नहीं था, खतरे में उनकी सत्ता थी, जमींदारों की, राजाओं की, नवाबों की। तो यही उभरते वर्गों से, व्यापारी, मजदूर, उद्योगपति, शिक्षित वर्गों के बीच में से तीन मुख्य प्रतिनिधि संगठन आए। पहला संगठन जो भगत सिंह के नाम से मैं जिसको प्रस्तुत करता हूँ, नौजवान भारत सभा के रूप में। ऐसे बहुत सारे संगठन थे, केवल तीन प्रतिनिधि संगठन मैं आपके सामने रखूंगा। भगत सिंह, नौजवान भारत सभा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और तीसरा बड़ा जो संगठन, सबसे बड़ा संगठन आया, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये तीनों संगठनों में बहुत मतभेद थे, पर तीनों संगठन में मुख्य बात ये थी कि अपनी राजनीति को धर्म के आधार पे नहीं करते थे। तीनों सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को, सभी क्षेत्रों के लोगों को इंडियन के रूप में मानकर चलते थे। जबकि मुस्लिम राष्ट्रवाद में शुरुआत में मुस्लिम राजा नवाब थे, बाद में चलकर मध्यम वर्गीय तबका भी आ गया। हिंदू राष्ट्रवाद में पहले हिंदू महासभा बनी, उसमें केवल राजा लोग थे, बाद में मध्यम वर्गीय, वकील, उच्च वर्गीय लोग आए। मुस्लिम राष्ट्रवाद ने आगे चलकर मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी 1940 के बाद, और उसमें शुरुआत के जो लोग थे उन्होंने धर्म के आधार पे कई मिडिल क्लासेस और एजुकेटेड लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे हिंदू राष्ट्रवाद में, जिसमें सावरकर ने बाद में आकर हिंदू राष्ट्रवाद की परिभाषा की, हिंदू राष्ट्र की मांग रखी, सावरकर ने कहा कि इस देश में दो राष्ट्र हैं, ये यहाँ के फाड़नी का, पार्टीशन का एक आधार बन गया। इस देश में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र, पर क्योंकि हिंदू लोग यहाँ के पुराने हैं, बड़े हैं, तो ये पूरा देश हिंदुओं का देश होगा और मुसलमानों को उनके मातहत अंडर में रहना पड़ेगा। ये सावरकर की थ्योरी। इसी को लेके जिन्ना साहब ने कहा हम मुस्लिम तो अलग राष्ट्र हैं, तो हमको पाकिस्तान मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भारत के पार्टीशन के लिए तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। इसने हिंदू मुसलमानों के बीच में एक भेद बनवाया, एक बड़ी दीवार खड़ी की। और दूसरा कारण ये सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद, ये दोनों इस तरफ से जिम्मेदार हैं। अब हिंदू राष्ट्रवाद में उन्होंने एक और शब्द लाया, हिंदुत्व। आपको बता दूं, आज बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, भ्रम है कि हिंदुत्व कोई धर्म है।
आपको मैं अपनी समझ बता दूं, जो सावरकर लिखते हैं, सावरकर भी बताते हैं कि हिंदुत्व ये आर्य नस्ल, यहाँ के उच्च कल्चर और यहाँ की जमीन से बना है। तो मेरी समझ में हिंदुत्व यानी ब्राह्मणवादी मूल्यों पर बनी हुई एक राजनीतिक फिलॉसफी, राजनीतिक विचारधारा। इसी हिंदू महासभा के लिए बात को लेकर बाद में 1925 में आरएसएस बना, जिसने हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व के सिद्धांत को लेकर अपने आप को मजबूत किया। तो पार्टीशन के मुख्य कारण ये तीन थे, और इसी के बीच में जो दंगे होते गए उसमें सब लोगों ने अलग अलग रोल प्ले किया। जहाँ तक सवाल है ब्रिटिश, वो दंगों के बारे में न्यूट्रल थे, निष्पक्ष थे, पर दंगों के कारण समाज में ध्रुवीकरण होता गया। और जैसे ये ध्रुवीकरण दंगे बढ़ते गए, गांधी जैसे लोग जो कहते थे विभाजन मेरी लाश पर होगा, गांधी जैसे लोगों ने इस बात पर चुप्पी साध ली। वो देख रहे थे कि अगर पार्टी ये प्रक्रिया चलती रही तो देश जिंदा कैसे बचेगा, कहीं नोआ खाली हो रहा है, कहीं कलकत्ता में किलिंग्स हो रही है जगह जगह। इसने गांधी जी को झकझोर दिया। वो प्रैक्टिकली डे टू डे पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, रोजमर्रा की राजनीति से दूर रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद आखिर तक उन्होंने पार्टीशन की बात को स्वीकार नहीं किया, और वो हमेशा कहते रहे कि भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। अब जो डे टू डे पॉलिटिक्स था रोजमर्रा की राजनीति में, कांग्रेस के दो बड़े नेता थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी उसमें ये दोनों थे, और इन्होंने देखा कि उसमें जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हैं वो उनको कोई काम करने ही नहीं देते। वो लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, तो मुस्लिम लीग के जो मंत्री फिनेंस मिनिस्टर थे वो उनको रोक देते थे। तो इस निष्कर्ष पर सरदार पटेल पहले आए कि अगर विभाजन होता है तो हो जाने दो, विभाजन के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखता। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन यही प्रस्ताव लेकर आए थे, चर्चिल ने यही निर्देश दिया था इंग्लैंड से कि भारत को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, प्रिंसिस्तान यानी राजाओं की जो रजवाड़े थे वो ऐसे तीन में बांट दो। ये संदेश लेकर माउंटबेटन आए थे और वो यहाँ काम करने लग गए थे। और इस निष्कर्ष पर इंटरिम मिनिस्ट्री में सरदार पटेल इस निष्कर्ष पर पहले पहुंचे कि अगर भारत का विभाजन होता है तो हो जाने दो, शायद हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इनमें से कोई भी तो व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं था, अंग्रेजों की अपनी ताकत थी, दे आर द कॉलोनियल पावर, और कम्युनल फोर्सेस, मुस्लिम कम्युनल फोर्सेस, हिंदू कम्युनल फोर्सेस, ये समाज को अलग से बांट रही थी। सरदार पटेल को एक स्ट्रांग सेंटर चाहिए था, पंडित नेहरू को भी स्ट्रांग सेंटर चाहिए था, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लान डेवलपमेंट हो सके। और इसी आधार पे सरदार पटेल ने पार्टीशन की बात को, पाकिस्तान की मांग को पहले सहमति दी, और उसके कुछ महीनों बाद नेहरू ने भी इसको अपनी स्वीकृति दी। तो आज जो गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है कि नेहरू ने इसके कारण पार्टीशन है, टोटली गलत। पंडित नेहरू की बात कर रहे हैं तो एक बात और भी कह दूँ, और वो बात जुड़ी हुई है कश्मीर से। आज के जो नेता हैं जो पूरा झूठ के आधार पर अपनी राजनीति को चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कश्मीर ऑटोमेटिक भारत में मिल जाता। पहली बात ये देखें कि प्रधानमंत्री का ये चक्कर क्या है, क्या नेहरू और पटेल में प्रधानमंत्री बनने के लिए होड़ थी कि तू बनेगा प्रधानमंत्री के मैं बनूंगा। मैं मानता हूं कि ये दोनों प्रधानमंत्री के पद से बहुत ऊंचे व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री का पद उनकी जो स्टेचर है, उनका जो रुतबा है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर प्रधानमंत्री नेहरू क्यों बने, इसमें मैं ये जानकारी आपको दे दूं, पूरे देश ने महात्मा गांधी को ये मैंडेट दिया था कि आप इसका फैसला करो। गांधी देश की रग रग को जानते थे, गांधी इस पूरे देश की आत्मा तक बन चुके थे, पूरे प्रतिनिधि बन रहे थे। गांधी ने क्या देखा, दो चीज़ें देखी, एक सरदार पटेल बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, और उन्होंने उनका एक योगदान बना रहना चाहिए। पर उन्होंने ये भी देखा कि नेहरू जनता में ज़्यादा लोकप्रिय है, जनता में ज़्यादा लोकप्रिय नेहरू है। ये बात का एक आपको और हवाला दे दूँ, एक पब्लिक मीटिंग में पंडित नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, तो एक विदेशी पत्रकार ने सरदार पटेल को कहा कि देखिए आपको देखने लोग कितने, मीटिंग में कितने लोग आए हैं। तो पटेल ने वापस जवाब दिया, वो मुझे देखने नहीं आए, वो जवाहर को देखने आए हैं। इसके संदर्भ मौजूद है। तो एक ज़्यादा लोकप्रिय थे, और दूसरे नेहरू का जो
एक्सपोजर था, नेहरू की जो दुनिया के बारे में समझ थी वो बहुत गहरी थी। गांधी जानते थे, नेहरू इंग्लैंड में शिक्षित हुए, कैम्ब्रिज और हैरो में। नेहरू रेगुलर रूप से जो दुनिया के आंदोलन थे उन पे अपनी नज़र बनाए रखते थे, इसलिए नेहरू गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपने उत्तराधिकारी के रूप में रखा और प्रधानमंत्री के रूप में नामजद किया। जहाँ तक कश्मीर का सवाल, कश्मीर के सवाल के बारे में फिर से नेहरू को दोष देते हैं ये एक बहुत ओछी बात है। वास्तव में जब जूनागढ़ भारत में मिला तो सरदार पटेल ने वहाँ के एक कॉलेज में लेक्चर दिया था और लेक्चर का हवाला मौजूद है, रेफरेंस मौजूद है। उन्होंने लेक्चर में कहा, अगर जिन्ना हैदराबाद को भारत में मिलने की स्वीकृति दे देते हैं, भारत मात में मिलने देते हैं, तो हमें कश्मीर को छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। वी डोंट माइंड कश्मीर बीइंग मर्ज विद पाकिस्तान। दीज आर सरदार पटेल्स वर्ड, ये सरदार पटेल के शब्द हैं। अब इसमें नेहरू कहाँ से आ गए? क्योंकि कश्मीर बाउंड्री पे था, कश्मीर में दूसरी समस्या थी और कश्मीर के राजा हरि सिंह वैसे तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, पर क्योंकि पाकिस्तान के कबायलियों ने, ट्राइबल ने पाकिस्तान आर्मी की मदद से आक्रमण किया और शेख अब्दुल्ला राजा हरि सिंह के प्रतिनिधि के साथ आकर उन्होंने इसके साथ समझौता किया, आर्टिकल 370 ट्रीटी ऑफ एक्सेशन आया। अब मामला ये है क्योंकि कश्मीर स्ट्रेटेजिकली भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पाकिस्तान हमेशा उसमें उधम मचाता रहा है, उसको अमेरिका से मदद मिलती रही है और वो इस स्ट्रेटेजिक एरिया में मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। उसी के साथ एक और बड़ा मुद्दा जो पिछले 4 साल में कश्मीर में पहले से ख़राब हो गया है कि वैसे तो कश्मीर की जो भावनाएं थी वो कश्मीरियत के आधार पे थी। जब अफगानिस्तान से अलकायदा के लोग फ्री हो गए, कश्मीर में आ गए, उन्होंने इसको एक बहुत सांप्रदायिक रंग दे दिया और उसके बाद से अभी पिछले 4 सालों में ये परिस्थिति पहले से और ख़राब हो गई। इसमें पंडित नेहरू ने पूरी प्रतिबद्धता से, पूरे राष्ट्रवाद से समस्या को सुलझाने की कोशिश की, पर हर एक समस्या हम सुलझा नहीं सकते। क्यों नहीं सुलझा सकते? अब उसमें पाकिस्तान का रोल है, उसमें अमेरिका का रोल है, उसमें दुनिया का रोल है, तो वहाँ वो सब चीज़ों के कारण जो होता है उसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना ये एक बहुत घटिया प्रकार का प्रोपेगेंडा है जिसका हमको पूरा विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।